जो हम लोग पहुंचे हैं डुंगा गली के पास, अरे इधर से आपको खाने पीने की जो भी चीजें अच्छी है और ये इधर ब्रांड शेड जो भी है ना खाने पीने के, वो सारे इधर मौजूद हैं। मौलाना ये तो हमारे साथ फूलने लगे हैं अभी, हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ना। हाँ। वो तो हकीकत वाली बात है, गुड व्यू है। मतलब ये है सारे व्यू मुशपुरी के, ठीक है, और इस व्यू की वजह से जो है हम लोग ऊपर आए थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हियर वी आर विद द न्यू व्लॉग एंड यू आर वाचिंग दानिश गुल। तो यार आज जो है इतने दिनों के बाद दोबारा व्लॉग में आप लोगों को अपना मुखड़ा लेकर आए हैं। तो क्या करूं ना, हाँ। आज का व्लॉग जो है ना आप लोगों को हम लोग शेयर करवाएंगे। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि भाई मैं इस्लामाबाद की और जो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द में जो भी प्लेसेस हैं वो उन जगह के आप लोगों को टूर कराऊंगा, उन जगह के आपको एक्सप्लोर करके उनके बारे में बताऊंगा। तो उसी को साथ लेते हुए ना आज हम लोग आपके लिए एक और जगह लेकर आए हैं जिसका नाम है क्या, मुश्कपुरी टॉप नाम है उसका, ठीक है ना। मैं जैसे नमल में कोर्स वगैरह कर रहा था तो उधर जो है हमारे स्टूडेंट फेलोज हैं तो उनके साथ हम लोगों ने एक ट्रिप अरेंज करवाया था। मैंने बोला कि यार आप लोगों के लिए एक ब्लॉग भी बन जाएगा और दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट भी हो जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, गाड़ी वाला भी आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। मुश्कपुरी का बेसिकली आपको बताता चलूं मैं, मुश्कपुरी के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? मुश्कपुरी का यार इतना आइडिया नहीं है, कभी गया नहीं हूँ। निकल भाई को थोड़ा आइडिया है। तो यहाँ पूरी का ट्रैक है, पैदल ट्रैक करना पड़ता है 1.5 घंटा। अच्छा। हाइकिंग है सारी, ऊपर जाके व्यू आता है। आप गए? नेचुरल व्यू है। आप गए हैं पहले उधर? हाँ गया। पुलिस साहब आप? मैंने सिर्फ वीडियो देखी थी, खूबसूरत जगह लग गया, तो इंशाल्लाह फसीर फिलहाल दिक्कत है। मौलवी साहब करवाना ना। तो यार आप बेसिकली मुश्कपुरी के बारे में जो है ना, ये इधर से मरी के रोड पे जाता है, ठीक है। मरी से जाते जाते ऊपर डूंगा गली है, डूंगा गली से ऊपर हमें जो है ना 1.5 किलोमीटर जो है ना ऊपर जाना पड़ता है। वो ट्रैक बना हुआ है, हाइकिंग ट्रैक बना हुआ है, उसके ऊपर जाके जो है ना हमें एक व्यू नजर आता है। पीछे पूरे कश्मीर के जो भी वादियां हैं सारी चीजें उनका सबके हमें व्यू नजर आता है। तो जो भी होगा वो आपको लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। कुछ दोस्त वगैरह हमारे जो है पीछे ढाबे में नाश्ता वगैरह कर रहे हैं तो हम भी उधर नाश्ता वगैरह करके तो गाड़ी में आप लोगों के साथ मिलते हैं, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो ये भी हमारा मुखड़ा ये भी आ चुका है और ये हमारे सारे मुखड़े आ चुके हैं। पीछे अभी सारी गर्ल्स बैठी हैं तो हम लोग पीछे नहीं दिखा सकते, ठीक है। अभी हमारा पैसे पूरे करेंगे, हम पैसे पूरे करेंगे, बस आपको नचाएंगे, है ना। आपको कुछ पता है मुश्किल के बारे में बातें? यार कुछ नहीं पता मुझे, ये पता है वो जन्नत है दुनिया में। हाँ जी, तो अभी ऑलमोस्ट हम जो है ना 3.5 घंटे के बाद जो है हम लोग पहुंचे हैं डुंगा गली के पास। ये देख सकते हैं आप डुंगा गली के नज़ारे, इधर से आपको खाने पीने की जो भी चीज़ें अच्छी है और ये इधर ब्रांड शेड जो भी है ना खाने पीने के, वो सारे इधर मौजूद हैं। और अभी इधर से हमारा जो है ना असल जो कोस्टर का जो रास्ता था वो ख़त्म हो चुका है, कोस्टर ने हमें इधर ड्रॉप कर दिया है और जो है ना उधर से हमें ऊपर जाना है। ऊपर से टोटे जो होते हैं ना सुजुकी छोटी छोटी वो ऊपर जाती है और उससे जो है ना आप लोग रेंट पर लेके ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि इधर से 1.5 किलोमीटर जो है ना वो सिर्फ रोड का रास्ता है। उसके बाद जो है ना आपकी हाइकिंग स्टार्ट होनी है। अगर आप में इतनी स्टेमिना है तो आप इधर से भी पैदल चले जाएं, अगर नहीं है तो फिर चुप करके जो है ना गाड़ी में बैठे, समझे ना। उसके बाद जो है ना ऊपर जाके हाइकिंग करनी है। तेरा फर्स्ट टाइम है या पहले भी आया? नहीं नहीं फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है तो इधर कैसा नजर है तुझे? नजर आ रहे कुछ भाई? ये बोल, नजर तो बहुत कुछ आ रहा है लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। असल में बात ये है कि यहाँ का जो निज़ाम है ना वो सही नहीं है। लोग जो है ना बंदा कोई ना कोई चीज होती है जो लेट से वॉशरूम तक सही नहीं है। हाँ। वॉशरूम नहीं, जो लड़के कहाँ जाए, खूबसूरत ही देखने आए वॉशरूम त्रिकट में। वॉशरूम किधर करें? वॉशरूम करना ही नहीं, इमरजेंसी कार को क्या करे बंदा, फिर खुले में बैठ जाए, इमरजेंसी लगे हो जाए खुद ही। इमरजेंसी को बंदा क्या करे, जिधर जिधर इमरजेंसी आए बैठ जाए, बैठ जाए बैठ जाए। सर पानी शानी? जंगल जंगल है यार तरफ, पानी शानी पत्थर। इधर से हम लोगों ने टोटे छोटे लेकर ऊपर से लिफ्ट लेकर जो आए हैं, लिफ्ट नहीं थी पर हेड पे जो है 100 रुपीज़ लगा है। और इधर हमने जो है सुजुकी वगैरह बैठ के जो है इधर आए हुए हैं। अभी ये मेन एंट्रेंस है, ठीक है, हाइकिंग स्टार्ट जहाँ से स्टार्ट होती है। तो इधर से एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ एंट्री टिकट है पर हेड की, तो वो लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी ट्रायल चलते चलते जो ना लोगों की स्टेमिना होती नहीं है, ठीक है, वो नहीं चल पाते, तो उन लोगों के लिए बीच में ये हॉर्स राइडिंग जो है ना वो थोड़ी फैसिलिटीज भी होती हैं। ऑलमोस्ट 2015 में जो ना बीच में जो है ना वो सेट हो जाता है। अभी फ़िलहाल तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, ट्रायल बना हुआ जब तक है, उसके बाद जो है ना वो चढ़ाई आ जाती है। आप लोगों को भी केयरफुल होकर जाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज़ इधर बारिश जो होती रहती है तो आप लोगों का पाँव जल फिर सकते हैं। मौलाना ये तो हमारे साथ फूलने लगे हैं अभी ख़त्म। अभी जो है सीढ़ी वाला जो ट्रैक था वो खत्म हो चुका है, चलते जो है ना ये खतरनाक रास्ता। देखो नीचे रीड देखो और ये रास्ता देखे, ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, बारिश की वजह से जो है ना इधर फिसलन भी ज़्यादा हुई है। इसी वजह से आप लोगों को ये सजेशन देंगे
कि आप लोग जो है ना अपने साथ हाइकिंग स्टिक जो है वो साथ लाजमी लेकर आए। दोस्त हु आर वेरी थर्स्टी अबाउट एडवेंचर हाइकिंग और एनी फिजिकल एक्टिविटी यू मस्ट ट्राई दिस हाइकिंग ट्रायल्स एंड इन इस्लामाबाद देर आर सो मेनी ट्रायल्स लाइक ट्रायल 5 बट दिस मुश्किल टॉप हैज एन एक्स्ट्रा हार्डशिप हर्डल्स इफ यू आर वेरी एडवेंचरस देन यू मस्ट ट्राई दिस वन। आंटी आप बताएं आपने इतनी सारी जो हाइकिंग ट्रायल है आपने इतनी मेहनत करके जो है ना आप अपनी जफा कशी अपने घुटनों को इतना जोर डाल के जो है ना अपने दर्द डाल के अपना इतना चल के आई है ना आप? नहीं मैं थोड़ी सी काफी चली काफी कहाँ चली आंटी काफी चली फिर जो है ना जहाँ तक सीढ़ियों का ट्रायल है वहाँ तक आंटी चली है उसके बाद जो है ना मुझे मैं तो हाइकिंग का नाम सुन के आ ही नहीं रही थी तो बच्चे कहते हैं दाने शिजोए सारे आए आंटी कुछ नहीं होता घोड़े पे बिठा देंगे। मैंने कहा चलें ठीक है तो घोड़े पे बिठा दिया घोड़े पे भी मैं बड़ी मुश्किल बैठी तो उतरते हुए भी मैं थोड़ी सी गिर गई लेकिन ये चोट लगी है क्या कोई? अभी मेरा ग्रुप जो है थोड़ा पीछे है तो मतलब आप सबसे आगे हैं ठीक है आप हम मजा करेंगे। अभी जो है ना ये रास्ता सीधा था अभी ये ऊपर रास्ता देख रही है बिल्कुल इंक्लाइन लेवल है चल लेंगे ना हो जाएगा इंशाल्लाह गाड़ी अपनी ऊपर ही बुलवा लेना। मैं जो नवाज शरीफ से करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ तो मोटर पे बनाता है ऊपर घोड़े के लिए कैसे घोड़े का सफर आप किसी को सजेस्ट करेंगी या इधर ट्रायल पे बंदा पैदल ही आए? अगर जवान बंदा है तो वो तो पैदल का ही मजा आता है। अच्छा आए कभी और आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप के साथ मजा आता है। ये फिर आपकी बेटी भी तुझे माशाल्लाह जवान वो घोड़े पे क्यों आई है? उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी इसलिए वरना वो भी देखे ऊपर से वो आपको देख के लाडली होगी अगर आप ना होते ना तो सबके साथ आ जाती। इतनी ऑलमोस्ट एक घंटे से ऊपर जो है ना हम लोगों ने हाइकिंग करते करते ना जो है ना हम लोग एक घंटे के बाद इस स्पॉट पे पहुंचे हैं जहाँ से हमारी जो सीनरी थी वो सारी गायब हो चुकी है क्योंकि सामने से आ रहा है सारे बादल हैं ठीक। अगर ये बादल ना होते तो इधर जो है ना सारे आपको सीनरी नज़र आती और पूरे कश्मीर के जो वादी के जो पहाड़ थे ना कश्मीर वाली तो वो सारी आप लोगों को नज़र आती। लेकिन आप लोगों में एक बात बताता चलूँ इधर जो रास्ते में आप लोगों को मिलेंगे ना वो सबसे दुनिया के सबसे बड़ा झूठ बोलेंगे आप लोगों से उन झूठ से जो है ना आप लोगों ने बचना है और अपनी स्टेमिना को स्टोर करके रखना है। वो झूठ ये है कि हर बंदा जो है ना आपको वापस आते हुए आपको क्या बोलेगा ऊपर कितना टाइम है? 5 मिनट ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। एक झूठ बचपन में बोलते थे ऊपर जहाज देखो एक झूठ ये कि 5 मिनट समझ रहे हो आप समझ रहे हो नजीब उदाहरण ले रहे के तो क्या लगा अंदरू आ निकती है सा निकते क्या निकते बता आ है निकती है चासी आई है रोल तो गया चास बढ़िया चास बढ़िया। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है भाई? सर रोल तो गया चास बढ़िया है सीन ऑन है। आपका फर्स्ट टाइम है ये पहले भी आते रहते हैं इधर? पहले एक दफा आए हैं सर। अच्छा आप सीन फिर आपको दोबारा किसने बोला कि दोबारा इधर आए आप? वैसे हमने वेट कम करने का वजन कम करने आए। क्या बात है सर क्या बात है सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है तभी ठीक है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इधर का? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ऊपर मंजिल है? हाँ इंशाल्लाह जाएंगे 5 किलोमीटर भी होगा तब भी जाएगा। माहौल ऐसे ही चलता रहे चले जाने को दिल नहीं करता। ये ऐसे सारे साथ चलेंगे ये जिस माहौल की बात कर रहा है ना वो माहौल साथ वो मैं समझ रहा हूँ ये सारा माहौल नजर आ रहा है ना नहीं तो फिर नहीं जाएगा ऊपर फिर इस बात बादलों को कौन देखेगा क्या बादलों में क्या ऊपर आसमान तक जाएगा। बहुत तेज हो रहा है पंछी बने उड़ती फिर मस्त गगन में। आप लोग कहाँ से हैं? हम मियां चनू से हैं। अच्छा तो इधर आप फर्स्ट टाइम आए हैं पहले भी आए हैं? हम फर्स्ट टाइम पहले नरान कगान गए हैं। अच्छा इसे वापस इधर आ रहे हैं तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ना वो तो नरान हकीकत वाली बात है गुड व्यू है। अच्छा यार अगर ये बादल ना होते ना इधर हम लोग पहले भी आए हैं बादल ना होते ना इधर पूरे आपको कश्मीर के जो जो पहाड़ है ना सारे इधर आप इधर हम लोग पहले भी आए हुए हैं इधर देख आप लोगों को सारे जो है बादलों कह रहे होंगे पूरे जो कश्मीर के पहाड़ है ना सबका व्यू नजर आना था कान कगान में भी ये व्यू नजर नहीं आया। हाँ, अभी तक लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ये देखो भाई सामने से ये टॉप है मुशपुरी का और अभी ये फुल्ली जो है सराउंडेड है विद क्लाउड्स और बस क्लाउड्स लेकिन जो ठंडी हवा जो है बादलों में जो नमी है और बादलों में जो ह्यूमिडिटी है ठंडी हवा की तो वो फील करने जाती है। अभी ये नीचे बादल है और ये ऊपर पहाड़ी है मीन्स हम इन बादलों से भी ऊपर आ चुके हैं। अब ये बादल जो हमें फॉलो करते करते हम ऊपर आ रहे हैं ठीक है। इधर बैठे जो ना आप लोगों को एक एक व्यू जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं और अपनी हाइकिंग का जो फ्रूट जो है यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप लोग नीचे बैठ जाते हैं तो आप लोगों का कोई फायदा नहीं। ऊपर आप लोगों को ये खाने पीने का स्टॉल भी मिलेंगे इधर भी है इधर भी है लेकिन पीक जो है इसकी उस तरफ है। रेस्ट वगैरह कर लेंगे तो इसके बाद जो है ना हम लोग उस पीक की तरफ जाएंगे। बोल किस रहे में ये सोच रहा था अभी तक मतलब इतनी एनर्जी है कि बोल भी पा रहा है भाई। कुछ पूछा
यार ये था एक स्टॉल जहाँ से उधर से हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टे किया है। फिर इसके आगे जो है ना मेन जो इसका व्यू है वो इस तरफ से है, ठीक है, और बादल वगैरह जो भी ना अभी थोड़े बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन हम जल्दी जाके उधर पहुँचते हैं। पीक पे जाना है हम लोगों ने 2015-16 की ड्यूरेशन में विंडो एक्सपी हुआ करती थी, उसका जो वॉलपेपर हुआ करता था ना ग्रीन कलर का, वही इधर का व्यू है भाई। ये है व्यू वाला सीन, ठीक है, अगर आप लोगों को जूम करके मैं दिखाऊं, रिहाइश नज़र आ रही है, ठीक है, सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं और ऊपर से ग्लेशियर व्यू नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हैं सारे व्यू मुशपुरी के, ठीक है, और इस व्यू की वजह से जो है ना हम लोग ऊपर आए थे, इस व्यू की वजह से हम लोग इधर पार हुए हैं। एक व्यू था जो ना ब्यूटीफुल व्यू जो है ना आखिर जो है ना हार्डेस्ट क्लाइम के बाद ही आता है। 300 रुपये की आपको प्लेट स्टार्ट मिलेगी, समोसे पकौड़े की स्टार्ट है, और जाती जाती आपको 600-700 तक चली जाएगी, ठीक है। और सारे जो है इधर आके ऊपर अपनी थकन उतारते हैं, थकन उतार के जो है ना सब कुछ जो है ना रेस्ट करके फिर जो है ना वापस चले जाते हैं। अभी हम लोग भी इधर जो है ना रेस्ट थोड़ा बहुत करके थोड़ा बहुत, और फिर इसके बाद जो है हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाना है क्योंकि यार खाना वाना भी खाना है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जो है ना हम लोग अपनी अपनी हाइकिंग खत्म कर दी है, ऊपर से जो था सारा व्यू जो है खत्म करके नीचे पहुंचे हैं कि हम लोगों ने पहले टोटे पकड़े थे उधर हम लोग पहुंचे हैं। अगर हमारी हालत को देख के जो है ना ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाना कि हमें मज़ा नहीं आया, ऊपर जाके हम जब पहुंचे थे बस उधर ही मज़ा आया था, बकाई जाते हुए और आते हुए डैश हो गया था हमारा, तुमसे ना हो पाएगा। टाइम का पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये क्या कहते हैं मोए मोए। अभी हम नीचे जाते हैं गाड़ी वाले के पास, नीचे जाके ब्लॉग के